खतरनाक कैसे? अरे मार बे, मैं तेरा ही टास्क कर रहा हूँ। मैं पिल गया भाई, मेरे को पूरा यकीन है पिल गया, पिट गया भाई। और भाई काफी सारे मैंने बंदों को देखा भाई, वो वहां पे जाके ठिल रहे थे और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से प्ले कर रहे थे। क्या मैं भी उन प्रो प्लेयरों में से भी एक हूँ? क्या अपन लोग वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं? वो सारे गेम प्ले अभी आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो। इससे पहले यहाँ पे एक बंदा आता है, इसका नाम सैडी कोडी। ये क्या भाई सैडी कोडी, ये कैसा नाम होता है? तो फटाफट से इससे बात करता हूँ और बात करने के बाद कहता है हैपन टू सी अगेन लॉयल्टी कस्टमर दिस टाइम टू कमिंग फॉर इमीडिएट फैल। पता नहीं हाउ वांट टू वेटिंग फॉर यू एट द सिल्वेस्टर न्यूज पेपर मैन ऑफिस एंड लुक्स। अब मेरे को नहीं बातें सुनने तेरे को। जो भी हो गाइस, अपन ने नए लोकेशन को अनलॉक कर लिया है। मेरे घर के अंदर कैसे जाएगा वो भाई? इसके पास मेरे घर की चाबी है, मेरे घर के अंदर कैसे घुस गया? एक सेकेंड रुक जाओ भाई। सबसे पहले तो जो अपन के पास चीज़ें हैं ना, उनको फटाफट से गाइस नए लोकेशन को मैंने डाल दिया है। अब कुछ चाहे ना गाइस, यहाँ से खा के निकलने वाला हूँ। बिकॉज आपको पता होगा, जब तक अपन लोग यहाँ पे ईटिंग नहीं करेगा भाई, जब तक अपन का। और भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैंने कुछ जगह को अनलॉक कर लिया। और आप कमेंट करके बताना भाई, आप में से किस किस ने इस नए लोकेशन को अनलॉक किया? और भाई आते यहाँ पे लैग हो जाता, पता नहीं काफी सारे बंदे आते हैं। फिर यस, ये रहा वो बंदा। क्यों इतना कुछ काफी सारा बोल रहा है भाई? अच्छा, ये लोग कहीं और लेके जा रहे हैं मेरे को। इससे पहले तक तुम लोग कहाँ थे? You lost gang leader. अच्छा, एक मैंने मार दिया। ये अच्छा, ये है भाई बैंडेट। ये देखो, ये अब आ रहे हैं भाई। और ये सारे बैंडेट है। ओ भाई, अच्छा डैमेज दे रहे भाई ये लोग। ये पांच ही थे ना? ओ भाई, इतना खतरनाक कैसे? ये तो आए जा रहे भाई लगातार। मैंने पांच मार दिए लेकिन उसके बाद भी भाई ये कम नहीं हो रहे। अरे मार बे, मैं तेरा ही टास्क कर रहा हूँ। भाई बहुत खतरनाक बंदा था भाई ये तो। ये तो हेल्प भी नहीं कर रहा था। सही, वो मैं नए लोकेशन पे नहीं गया भाई, वहां पे तो भाई मेरी लड़ियां लगा देते ये लोग तो। ओ भाई बच्चा, मैं तो बार बार बस गया मेरा भाई, बार बार बचिए। चल भाई, चल छोटे पिंगिंग पोकर। चल अब तेरे से वैसे भी मेरे को काम नहीं है भाई, कितने घटिया लोग रहते हैं यही। बिल्ड अ जनरेटर, क्या मेरे नए लोकेशन में आएगा जनरेटर? एक सेकंड भाई, रंच बिल्ड अ जनरेटर, देखे भाई कोई सी चीजें प्रोजेक्ट। ये ओ भाई, ये देखो भाई, मतलब वो जो पिछली बार अपडेट आया था ना जिसके अंदर ये अजीब सी चीज थी भाई, ये यही थी। इस जनरेटर को मेरे को प्लेस करना, और भाई ये जनरेटर को प्लेस करने के लिए भाई मेरे को जगह चाहिए होगा भाई। चलो यहीं प्लेस करा देता हूँ मैं तब तक के लिए। चल मेरे भाई, अब मेरे को इसको क्राफ्ट करना पड़ेगा। यार बैटर यार लो हो गया थोड़ा सा। ओह भाई, क्या चीज़ें चाहिए भाई इसको? 20 ये चाहिए ट्राइड 6 के भाई। इलेक्ट्रिक टूल सेट, ये मेरा अब तक अनलॉक नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें तो है, ये भी है ऑलमोस्ट। ये भी मैं कर लूँगा। बट ये जो ये दो रेयर चीज़ें हैं ना भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये तो मेरे को लगता नहीं भाई ये पूरे होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन ये जनरेटर भाई। एक सेकेंड में टूल देखूँ यार, वो टूल आखिरकार बनता कहाँ है? आई थिंक इसमें बनता होगा जनरेटर टूल, इसमें तो बन नहीं रहा ये। मेरे को काफ़ी सारे इंगट भी क्राफ्ट करने पड़ेंगे यार। लो भाई, ये अब तो काम बैठ गया भाई, काम बैठ गया घना सारा। इसको बनाने के लिए अपन को आयरन चाहिए यार, ये आयरन की वजह से रुका हुआ। और टूल वाला बेंच आई थिंक ये था, जहाँ तो नहीं बन रहा यार ये इलेक्ट्रिक टूल। मेरे ख्याल से वो नई लोकेशनों पे अपन उसको क्राफ्ट कर पाएंगे, जहाँ तक
जहाँ तक मेरे को लगता है कि अपन उन नए लोकेशन पे ही जाके ले पाएंगे। चलो ये बात सब छोड़ते हैं यार, अब अपन है ना उन नए लोकेशन पे एक बार मैं जाके देखना चाहता हूँ यार क्या सीन वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे कितना ज़्यादा हार्डनेस है और अपन को कितना ज़्यादा पेड़ा लग सकता है भाई। अरे यार मेरे पास तो एक भी वो नहीं है, चलो ये वाले जूते पहन लेता हूँ मैं, ये वाले जूते इज बेटर देन बाकी कुछ जूतों से। मैं क्या जाऊँ यार उस नए लोकेशन पे यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो लोकेशन तो यार खतरनाक है यार, मैं मरना तो तय यार खामा का, क्यों मैं और किसी को इसी गन को डैमेज कर रहा हूँ। अभी बस मैं टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ, और भाई वो जो अपन को जनरेटर के भाई टूल चाहिए ना इलेक्ट्रिक टूल किट, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब मेरे को लगता नहीं इतनी ईजी वो मिलने वाला है। बट गाइस पहली बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, तो मैं स्टार्टिंग के BOREL बोरेल फॉरेस्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा भाई। मैं 107 लेवल का हूँ, मतलब ये मेरे लिए है ही नहीं, क्या मतलब मेरे लिए है ही नहीं भाई, मैं यहाँ तो गलती से चलाया ऐसा लग रहा है भाई। यहाँ पे काइप्रेस सुअल है, यहाँ पे मेरे को देखना आखिरकार। ओ भाई HP देखो यहाँ के बंदे लोग। ओ भाई एक तो इन्होंने लेदर नहीं दिया, और भाई एक ये नया आया भाई, मैं कुछ लाना भी भूल गया भाई, कम से कम मेरे पास कुछ तो लकड़ियाँ वकड़ियाँ होती यार। स्कूटर मेरे को इनका चेहरा देखना है। अरे यार ये दिख तो वैसे ही रहे हैं, बस खतरनाक है थोड़े से। अरे यार यही बेकार लगता भाई। ओ भाई ये देखो, ये देखो अभी मेरे को लग रही है भाई बहुत तेजी से आंधी, और जैसे ही मैं इसके पीछे आऊँगा ना मेरे को आंधी नहीं लग रही। लग रही है क्या मतलब लग रही है, आंधी चली गई भाई। मेरे को जाना नहीं है ना यार अभी इस टास्क को, अभी जनरेटर वाले टास्क को अभी स्टॉप करते हैं, बाद में करेंगे भाई। यहाँ पे तो काफ़ी सारी ट्री है ट्राइड 6 का भाई। अरे यार ये कुत्ते के बच्चे हैं, इसको बुलाता हूँ। ओ भाई सब आ गए, मैं पिल गया भाई, मेरे को पूरा यकीन है पिल गया। पूरी कोशिश करेंगे कि अपन बचे। भाई मर गया मैं, मर गया मर गया मर गया, मैं तो मर गया। सब लोग पीछे पड़ गए भाई, माँ की आँख भाई। ये क्या है भाई, क्या था ये भाई, लगातार हेल्थ में दबाए जा रहा हूँ और वो लोग भाई लगातार पूरी टीम मिलके भाई मेरे को पेलने के लिए आ गए भाई, ये क्या सिस्टम था। एक सेकंड के लिए लगा भाई अपन गए, लेकिन मैं किसी तरीके से बाल वाल बचा भाई, सिर्फ बाली बाल बचा, बाकी सारा इन्होंने उखाड़ लिया भाई। आर-1 की तो भाई गू निकल गई। अच्छा ये लो भाई मेरे को मिला भाई ट्राइड 6 का लेदर, आखिरकार मिल गया मेरे को यार, मिल गया यार। क्या कहूँ मैं, लेकिन मेरे को इसको पेलना था। वो भाई है ना गन भी अच्छे वाला यूज कर रहे हैं। अरे यार ये मरे नहीं थे क्या कोई सभी। AKA एक्सकन फॉक्स भाई, ऐसा कुछ इनका नाम है। ओ भाई ये तो सीधा भाई डायरेक्ट लेदर भी मिल रहा है, PELT इसका करके कुछ नाम है, जो कि सही है भाई, सही है। और भाई ये देखो ये अपन का वो नया वाला हीलिंग का किट जो कि खतरनाक है, और बीच बीच में भाई ये आंधी तूफान चलता रहता है ना। डेविल क्लब्स के ही नाम था ना। अरे यार कोई बदतमीज आ गया सालो, निकलो इधर से नाल के पल। ओ भाई ये धीरे धीरे करके कौन सा हथियार ले रखा था ये भाई, नेक्स्ट लेवल मौज काट दी भाई, नेक्स्ट लेवल। मतलब वेस्टलैंड वालों ने जगह तो सोच समझ के बनाई है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। ये देखो यहाँ पे नई चीज़ आई है सीड ऑफ पटैटो, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई। नेक्स्ट लेवल, मेरे पास अब हेल्थ बचा ही नहीं, अब मेरे को सीधा भागने के अलावा यहाँ पे और कोई रास्ता है भी नहीं। ओ भाई ये देखो ये नया लेदर वेस्ट ऑफ, मतलब क्या चीज़ है, मतलब नए नए टाइप के, ये अलग चीज़ है, इसका नाम है PELT और इसका नाम है VESTL वेस्टल फर करके कुछ है, और यहाँ पे ये भाई हाइड है, मतलब ये भाई इन्वेंटरी में जा कर के मेरे को चेक करना पड़ेगा आखिर इसका माजरा क्या चल रहा है, तभी समझ में आएगा मेरा भाई। ऐसे तो कुछ नहीं भाई, सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है कि यहाँ पे एक ही टाइप के तीन लेदर करके आ रहे हैं। चलो नया लोकेशन इस बात का तो पता चल भाई, यहाँ पे बहुत सारे भाई, इनको तो मैं पहला नहीं दे पाऊँगा, ऐसी जगह चलते हैं भाई जहाँ पे हो भाई एक दो नाल के पल।
चल बे कुत्ते साइड हटना यार, तू जा ना। आस्कन फॉक्स आजा। अरे यार इनकी लास्ट में भी एक एक एचपी रह जा रही है बार बार। मेरे को भाई हेल्थ चाहिए ट्राइड 6 का। यू मेरे भाई यू चाहिए। ओ भाई यहाँ पे एक चीज और भी है, अगर ये तूफान आ रहा है ना, अगर इसने हाथ लगा रखा है तो ये कुछ करेगा भी नहीं। देखो फायर का बटन मैं दबा रहा हूँ लेकिन काफी ढीले, मतलब बहुत टाइम ले रहा है, उसके बाद जाकर के दोबारा से उसको दबाने की कोशिश, मतलब ट्रिगर नहीं दब रही भाई, इसको लग जा रही है भाई ठंड। ओ भाई नए हिरन। ओ भाई इसके पास से मेरे को नए नए चीजें मिली भाई, काफी सारी नई चीजें मिल रही है, जिसकी ये नया है ये नया भाई, मौज काटते भाई वेस्टलैंड वाले। क्या अपडेट दिया भाई, ये अपडेट मैंने पहले क्यों नहीं खेला, काफी तक खतरनाक था। अपन को इसको एक्सप्लोर करने के लिए है ना भाई खाली समय में आना पड़ेगा, मतलब मैं भरा भरा नहीं। ओ भाई बिल्लो बिल्लो पगे पगिया तो की करेंगी। ओ भाई यहाँ पे एक ये नए नए जैसे कि वहाँ पे वो है ना क्या कहते हैं यार यार खरगोश टाइप के वो, और यहाँ पे ये है इसका नाम क्या है, इसका नाम VEA वेसल, वेसल करके कोई सा एनिमल है जो कि अपन को ये वाले लेदर देता है भाई, जो कि ठीक है अच्छा है। और भाई यहाँ पे दोबारा से ये चल चुका है भाई, मेरे को इनसे पंगे नहीं लेने। ये देखो वेसल वेसल वेसल। अरे यार देख ली मैं पिट गया भाई, मैं पिट गया भाई। बीच वाला बटन दबाओ। क्या मैं मर गया क्या मैं मर गया, इस कमेंट करना जल्दी, इस कमेंट करो भाई, तब तक मैं वेस्टलैंड को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ भाई। बाल बाल बजे, देखो मेरे को मरना नहीं था। देखो एक तो अपन का आर्मर डैमेज होता, दूसरा अपन का डैमेज होता भाई बैग, और भाई क्या क्या चीज़ें डैमेज होती हो, तो नेक्स्ट लेवल चलते चला जाता जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तो भाई अपन मर जाएगा ना भाई, अपन को यार हेल्थ काफ़ी सारी इकट्ठे करने पड़ेंगे यार, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सी हो गई यार, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। मतलब ठीक है यार, नई जगहों पे काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं, नई मुसीबतें हैं, और भैंस का लगड़ा क्या क्या है वो तो भाई अपन एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस इसके लिए भाई तड़कता भड़कता गन, मतलब एक वो भाई मैं मर गया, बीच वाले बटन दबाने का फायदा ही नहीं हुआ यार, मतलब थोड़ी सी एचपी रह गई थी। बट गाइस अपन को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि अपन अभी देख सकता है, जो कि अपन को ट्राइड 6 के अंदर जो जो चीज़ें आई हैं ना, जिसकी ये देखो मेरे को शुरुआत से सारी चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा, और भाई इसके लिए सारी ये इलेक्ट्रिक टूल किट मांग रहे हैं, और ये मेरे को पता नहीं भाई, आई थिंक ये जो जनरेटर है ना भाई, लेकिन जनरेटर बनाने के लिए भी तो वही चाहिए ना, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, मेरे को लग रहा है ये मिलता। एक सेकंड भाई उसको देखूँ मैं कि आखिरकार ये मिलता कहाँ है, लोकेशन भी आता है ना साथ के साथ। ये भाई ये मेरे को मिलेगा टकली का, और SMUGGLES समुगलर्स, समुगलर्स करके कोई सा प्लेस है। एक सेकंड गाइस, समुगलर्स करके कोई सा प्लेस है, अपन को वहाँ पे मिलेगा ये चीज़। और भाई मेरे को ये कौन सी गन मिली, ये नहीं चाहिए मेरे को गन, ये गन अब भाई फद्दू बनाने के सिवा और कोई कुछ कुछ नहीं कर सकते भाई, सिर्फ फद्दू बना सकती है अपन का। ये है भाई स्वेगलर्स, अच्छा भाई ये ट्रेडर है, एक बार ट्रेडर के पास से भी जाके देख सकते हैं कि ये अपन को इलेक्ट्रिक टूल किट देता भी है नहीं। ओ भाई ऐसा तो नहीं गोल्ड के बदले में मेरे को देगा, लगने वाली भाई अगर ये गोल्ड के बदले में मेरे को ये दे रहा है ना, तब तो भाई वाट लगने वाली है, क्योंकि भाई ये रेयर चीज़ है मेरे को लगता नहीं। और भाई ये झरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है ना यहाँ पे, इससे बात करूँ लगा ही था भाई, मेरे को लगा ही था ये देगा भाई। एक सेकंड इन्वेंट्री भर चुकी है, किसी चीज़ को अपन खाली करता है, अब देखते कितने का देगा भाई। चलो ज़्यादा महंगा नहीं दे रहा, अपन खरीद सकता है, मैं सोचा था नए प्लेस को खरीदूंगा, लेकिन गाइस यहाँ से मैं 5-10 तो खरीद सकता हूँ। 1-2-3 अच्छा भाई अपन एक दिन में सिर्फ 2 ही खरीद सकता है, ये भी ठीक है, एक दिन में सिर्फ 2। मेरे भाई नए लोकेशन पे जाना है तो आपको अलायंस तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो मैं भाई कुछ ऐसे खतरनाक से प्लेयर को भाई अपने अलायंस में लेने की कोशिश करेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हो, मतलब काफ़ी सारा टाइम खेलते हो, क्योंकि भाई अलायंस में अगर अपन लोग जब तक प्ले नहीं करेगा ना, जब तक अपन को ज़्यादा सिक्के मिलने के नहीं, क्योंकि जो गोल्ड कॉइन होता है ना भाई वो रस वस करने से मिलता है, अब तक मैंने एक बार भी रस नहीं किया क्योंकि सारे टीममेट ही कर दे रहे थे रस, और मैं उतना ज़्यादा ऑनलाइन भी नहीं होता था, क्योंकि जिसका अलायंस होता है पता नहीं वो रस वस कर सकता है या कुछ सिस्टम था, लेकिन खतरनाक था भाई। अपन देखो अभी मैं आपको अलायंस में जाके दिखा रहा हूँ जहाँ पे से। ओ भाई
थोड़ा तो किसी ने अपग्रेड किया है भाई। हाँ मेरे को लग ही रहा था किसी ने 1350 ये डाला है भाई, ये इतना ज़्यादा लेते हैं ना, इसी वजह से मैं नहीं बनाता इन सब चीज़ों को। और भाई देखो ये रहा 12। अरे यार अपन को 21 मिलता था यार। ये लिखा हुआ है इनकम 20 निगेट पर डे, 20 मिलता था और यहाँ पे इसको अपग्रेड करने के बाद 12 से 16 हो जाएगा सेव केस में। आई थिंक किसी ने पहले उठा लिया होगा इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो गाइस आज इतना ही, एक सेकेंड, हाँ तो गाइस आज इतना ही। आई होप सो अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक करना ऐसे ही अमेजिंग से, और भी ज़्यादा गेम प्ले आने वाले हैं तो कमेंट करना बिल्कुल। मतलब मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।